कराची के मकामी होटल में तवानाई बहरान थर से कोयले के हुसूल और बिजली की तैयारी में है के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। थर में काम करने वाले तीन निजी कॉरपोरेट इदारों ने बताया कि थर एक सीधा साधा इंजीनियरिंग मंसूबा है। यहाँ का कोयला जर्मन कोयले से बेहतर है और इससे बिजली तैयार करके पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अलबत्ता मंसूबे को पेचीदा करार देते रहे और इनकी तवज्जो दरामदी कोयले पर रही। इस बात को यकीनी बनाएं कि थरकोल तजारती तौर पर अमल दरामद के काबिल हो। दूसरी सूरत में अगर दरामदी कोयले पर एतमाद बरकरार रहता है तो थर में मंसूबे बनाना मुश्किल होगा। वफाकी वजीर ने ये बात अपने दूसरे खिताब में कही। पहली मरतबा वो चंद बातें करके रुक गए थे कि शाह साहब यानी वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह आ जाएं तो बाकी होंगी। उन्होंने वजीर आला को अपने ताउन का यकीन दिलाया। स्टेज कायम अली शाह को मिला तो उन्होंने बिल्ली को मुकम्मल तौर पर थैले से निकाल दिया। नेप्रा, पेप्रा एंड अदर एजेंसीज दे हैव गिवन अस लॉट ऑफ ट्रबल। 600 मेगावाट के लिए जो नेप्रा से क्लियरेंस लेनी होती है, सो फार वी आर नॉट एबल टू गेट इट। वजीर आला सिंध ने कहा कि 31 जनवरी को मियां नवाज शरीफ थर ब्लॉक 2 में कानकुनी शुरू किए जाने का इफ्तिताह करेंगे, जिससे इब्तदाई तौर पर 600 मेगावाट बिजली की तैयारी होगी। इफ्तिताही तकरीब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मौजूद होंगे। मुमकिन है इफ्तिताही तकरीब विफाक और सूबे को एक नुक्ते पर ले आए। थरकोल पर विफाक और हुकूमत भले ही कितना ही कहें कि दोनों एक पेज पर है, लेकिन आज की कॉन्फ्रेंस ने ये राज खोल दिया कि दोनों एक पेज पर नहीं है। जब तक वो एक पेज पर नहीं आते ये मंसूबा पेपर तक ही रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रियाज एंडी, दुनिया न्यूज़, कराची।